क्या वैश्विक कोरोना महामारी अभी और कहर बरपाएगी? क्या कोरोना के और नए वेरिएंट सामने आएंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस ने इस तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने दो ऐसे कारणों की ओर इशारा किया है जो चल रही कोविड-19 महामारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। वो वायरस के अधिक नए वेरिएंट के उभरने के लिए एक आदर्श स्थिति को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने इसके लिए कोरोना वैक्सीन तक असमान पहुंच व कोरोना टेस्ट की कमी को प्रमुख कारण बताया है। लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के एजेंडे में सबसे आगे रही वैक्सीन इक्विटी पर बोलते हुए गेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना वायरस के हाई ट्रांसमिशन यानी कि उच्च संक्रमण के अलावा लोगों की कोरोना के टीकों व टेस्ट तथा समान पहुंच नहीं है, जिसके चलते इसके अधिक वेरिएंट के उभरने के लिए उपयुक्त वातावरण बन रहा है। उन्होंने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की कम गंभीरता के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की प्रकृति को लेकर कई देशों में एक झूठी कथा चला रही है कि महामारी खत्म हो गई है। गेब्रेयेसस ने कहा कि कोविड-19 संकट के कारण होने वाले अल्पकालिक आर्थिक प्रभावों से बहुत आगे इसने दुनिया को टिकाऊ विकास लक्ष्यों की ओर गंभीरता से निर्धारित किया है। अपनी बात का समर्थन करते हुए WHO प्रमुख ने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य और वित्त क्षेत्रों के बीच निकट सहयोग महत्वपूर्ण है। पिछले महीने WHO के कार्यकारी बोर्ड की बैठक के 150वें सत्र के दौरान गेब्रेयेसस ने बिना घबराहट और उपेक्षा के बीच इस साल ही महामारी को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने वाले देशों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य का प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रों को व्यापक रूप से रणनीतियों और उपकरणों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, जिसमें कम से कम 70% आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य, परीक्षण में तेजी लाना, अधिक वेरिएंट की तलाश करना और लगातार महामारी से संबंधित समस्याओं के समाधान ढूंढना शामिल है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।